सो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम जा रहे हैं ओरियन मॉल, तो ओरियन मॉल आपको राजाजी नगर में आता है। सो गाइज, अगर आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, तो इसके लिए आप मेट्रो भी ले सकते हो, बस भी ले सकते हो। बस स्टॉप या फिर मेट्रो स्टॉप जो होगा वो होगा सैंडल शॉप फैक्ट्री, तो वहाँ पे आपको उतर जाना है और उसके 2-3 स्टेप ही आप चलोगे कि ओरियन मॉल जो है आपको दिख जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं इनकी पार्किंग एरिया में, तो ये रहा इनका पार्किंग एरिया। तो अगर आप अपनी कार से या बाइक से आए हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग एरिया इनका काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे 1 आवर का ये लोग 30 रुपीज़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने बोर्ड में लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ का प्राइस देख सकते हैं। तो स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, तो चलिए हम अपनी गाड़ी लगाते हैं पार्क। तो हम अभी है ओरियन मॉल के पार्किंग एरिया में, तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, अभी हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। सो जैसे ही आप किसी भी मॉल में जाते हो तो सबसे पहले स्टेप रहता है सिक्योरिटी चेकिंग का, और अगर आप बैग लाए हो तो वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैग कैरी किया है तो उन लोगों ने सिक्योरिटी चेक हो गई है। सो गाइज़, अगर मैं इस मॉल के टोटल फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 4th फ्लोर देखने के मिलेंगे। तो अभी सबसे पहले हम पहुँच गए हैं ग्राउंड फ्लोर। सो अभी हम जाएंगे ज़ारा, हमें देखना है कुछ परफ्यूम कलेक्शन। तो ये रहा मेंस का परफ्यूम कलेक्शन, तो मेंस के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। अगर मैं फ्रेगनेंस की बात करूँ तो फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप जो परफ्यूम देख रहे हैं मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग था और मैक्स 5000-6000 का भी था। तो ये एक इनका कलेक्शन है जिसका प्राइस की मैं बात करूँ तो 1800 है। इसका भी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो। और ये रहा पूरा ड्रेस का कलेक्शन इन लोगों का, 3000-4000 से इनका टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह स्टार्टिंग रेंज है। कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ था बॉयज़ के लिए, तो अगर आप बॉयज़ का कुछ कलेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये रही मैं, और ये रहा मेरा आज का आउटफिट। तो चलिए, हमने तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका कलेक्शन, हम एक दो आप लोगों को भी दिखाते हैं। मुझे ये जैकेट काफ़ी अच्छा लगा, अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा था, और प्राइस ये रहा 6000, तो वर्थ इट है। और अगर मैं इनके कलेक्शन की बात करूँ तो काफ़ी समर वाला कलेक्शन, आप कलर देख सकते हैं। सो हमने ले लिया है परफ्यूम, हम करवा रहे हैं बिलिंग। तो ये जॉगर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा था, और ये टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी थी जिसका 3000 रुपीज़ प्राइस था। सो हमने तो परफ्यूम ले लिया, अभी हम चलते हैं वुमेन कलेक्शन की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं ओरियन मिल के ग्राउंड फ्लोर पे, तो अभी जस्ट हमने ज़ारा से शॉपिंग कर लिया है। अभी हम देखते हैं, अभी हम ऐसा कुछ प्लान करके नहीं आए थे, बट ऑब्वियसली गर्ल्स जहाँ भी जाएंगी शॉपिंग तो करना मैंडेटरी है। तभी हम आपको पहले मॉल घुमाते हैं और दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से हमने अपना वीकेंड जो है वो इन्जॉय किया। सो हम अभी आ गए हैं वेस्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो फिट का कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। जो अभी मैंने ड्रेस पहना है वो स्टूडियो फिट का ही है, तो मैं भाई चेक करने आई हूँ कि यहाँ पे कोई नया कलेक्शन आया है या नहीं। बट यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि ये मेंस सेक्शन है, तो अभी हमें जाना होगा वुमेन की तरफ। तो इनके पास कलेक्शन आप देख सकते हैं, कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, और समर है तो बहुत अच्छे अच्छे कलर थे। तो ये मैंने स्टूडियो फिट यहीं से लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसा ही टाइप का है कुछ। अगर मैं स्टूडियो फिट की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहता है, और रेंज भी काफ़ी सही रहता है। 2K 3K में आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो अभी हम हैं ज़ारा वुमेन कलेक्शन में। अगर कलेक्शन की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, बट साइज़ जो थे मेरे साइज़ नहीं थे, तो वही यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। और पैटर्न, मुझे ये वाला टी शर्ट का पैटर्न कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब भी ज़ारा पे आती हूँ शॉपिंग करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आती हूँ क्या लूँ नहीं लूँ। तो मुझे ये पिंक वाला ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये मेरे साइज़ का नहीं था, तो मैं वही कंफ्यूज
थी कि मैं क्या करूँ, मैं सभी जगह साइज़ चेक कर रही हूँ बट साइज़ मुझे नहीं मिल रहा था। ये जीन्स भी मुझे काफ़ी पसंद आया बट इसमें भी साइज़ मुझे नहीं मिला। अगर मैं ज़ारा की फुटवेयर की बात करूँ तो वो भी काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेगा, और ज़ारा ड्रेसेस तो यूनिक होते ही हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग और स्टाइलिश होते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं इनके सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि मुझे ज़ारा में अपने लिए कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ये रहा सुपर ड्राई और ऑल्डो, तो ये दोनों इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बट कोई नहीं, हम करेंगे कभी ना कभी इससे भी शॉपिंग। सो ओरियन मॉल भी और मॉल के जैसा ही आपको दिखेगा, बट इसकी एक ख़ास बात ये है कि अब जब इनके बैक साइड जाओगे तो वहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलेगा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने को मिलेगा, जो कि अट्रैक्शन का पॉइंट है और लोग इसे देखने के लिए ओरियन मॉल आते हैं। तो मुझे दिख गया लेंस कार्ड, तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही हूँ गूगल्स का, बट मुझे मेरे टाइप का गूगल्स नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़े बड़े ग्लास चाहिए बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, तो हम इसे भी कैंसिल कर देते हैं। मुझे तो कुछ खास आज मिला नहीं, तो शॉपिंग के बाद मुझे लग गई ज़ोरदार प्यास। तो अभी हम चलेंगे इनके फूड कोर्ट में और कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। तो अगर मैं इनके फूड कोर्ट की बात करूँ तो वो भी काफ़ी स्पेसियस है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फूड के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने पसंद का फूड जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और इनका फन जोन भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप बॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो। सो ये रहा यमी सा डोनेट्स, बट मैं स्वीट अभी अवॉइड कर रही हूँ इसलिए मैं डोनेट्स की तरफ नहीं जाऊँगी। अभी इसके जस्ट बगल में हमें दिख गया एम्पायर, तो यहाँ से मैं ऑर्डर कर रही हूँ आइस टी। बाहर तो यहाँ पे आपको फाउंटेन रहता है, और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इन लोगों ने यहाँ पे कुछ सेटअप किया है, स्टॉल वगैरह बिठाया है और बच्चों लोगों का बहुत कुछ प्लेइंग एरिया टाइप का बनाया है, बट अभी बारिश हो जाने के कारण सब कुछ आप देख सकते हैं बिखर चुका है। सो गाइज़, मैं इसी एरिया की बात कर रही थी, तो स्पेशली लोग ओरियन मॉल इस एरिया को देखने आते हैं, क्योंकि इस साइड आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने को मिलेगा और फाउंटेन देखने को मिलेगा, बट आज बारिश हुई है तो जिसके कारण पूरा ये एरिया जो है आपको बहुत मेसी दिख रहा है, बट नॉर्मल डे में ये एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। Thank you.